आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कोरोना वायरस से संबंधित लक्षण सर्दी जुकाम बुखार या सांस लेने में परेशानी से संबंधित रोगी आते हैं तो इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन द्वारा सिविल सर्जन को देनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के प्रबंधकों और चिकित्सकों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने सोमवार को यह बताया कि 2-3 दिन पूर्व एक संदिग्ध मरीज प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने आया था, लेकिन उक्त निजी अस्पताल प्रबंधन द्वारा जिला प्रशासन को सूचना दिए बगैर उस मरीज को प्राइवेट एम्बुलेंस से पटना रेफर कर दिया गया, जो कि गलत है तथा इसको लेकर संबंधित प्राइवेट अस्पताल पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। सभी निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमण से संबंधित लक्षण वाले रोगी की सूचना हर हालत में सिविल सर्जन को देनी होगी। डीएम ने बताया कि बेगूसराय जिला से अब तक 1,345 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया तथा 1,180 व्यक्ति का सैंपल प्राप्त हुआ है, जिसमें 1,171 रिपोर्ट नेगेटिव है जबकि 165 सैंपल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। जिला में अब तक कोविड-19 संक्रमण के 9 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 7 लोगों का इलाज आइसोलेशन कम ट्रीटमेंट सेंटर में चल रहा है, जबकि 2 लोगों को होम क्वारंटाइन के निर्धारित प्रोटोकॉल के पालन करने का निर्देश दिया है। 34 व्यक्तियों को जिला मुख्यालय स्थित आइसोलेशन सेंटर में रखकर स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है। कोरोना एवं उससे जुड़े विभिन्न मामलों को संवेदनशील तरीके से निष्पादित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिन इलाकों को सील किया गया है वहां निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सैनिटाइजेशन के साथ साथ एक्टिव सर्विलांस का कार्य किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि प्रशासन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, सभी लोगों के द्वारा इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है और इसी कड़ी में विभाग के निर्देश के आलोक में यह भी डायरेक्शन निर्गत हुआ था कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो बेगूसराय में हैं, अगर उनके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जिसको सारी का ILI का सिम्टम हो, अर्थात उसको सर्दी जुकाम बुखार सांस लेने में तकलीफ की सिम्टम हो, ऐसे व्यक्तियों की सूचना तुरंत ही सिविल सर्जन को देंगे ताकि हम लोग के संज्ञान में मामला रहे और उसका, उस व्यक्ति का हम लोग जांच करवा सकें, उसका इलाज करवा सकें। तो इस निर्देश के आलोक में सभी बेगूसराय जिला के जितने भी डॉक्टर्स हैं, निजी डॉक्टर्स हैं, निजी क्लिनिक्स हैं, आप सभी लोगों से अपील है मेरी कि अगर कोई भी व्यक्ति आप लोगों के पास इलाज के लिए ऐसा आता है जिसको सारी ILI के सिम्टम्स होते हैं, सर्दी जुकाम बुखार सांस लेने में तकलीफ रहता है, अगर किसी को, उसकी सूचना तुरंत ही सिविल सर्जन को दें। अभी आज एक मामला प्रकाश में आया है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको इस तरह का सांस लेने में तकलीफ थी और उसको कुछ इस तरह सिम्टम्स लग रहे थे, तो उसको बेगूसराय जिला के किसी निजी डॉक्टर ने उसको देख के सीधे पटना रेफर कर दिया और उसके बाद उसकी सूचना सिविल सर्जन को भी नहीं दी। हम लोगों को आज सुबह उसके बारे में खुद उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया। तो ये बहुत ही खेदजनक है, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध हो तो हम लोगों के संज्ञान में, सिविल सर्जन के संज्ञान में जरूर ये बात आनी चाहिए। तो इसलिए सभी डॉक्टर भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग इस कोरोना महामारी के, इसके विरुद्ध आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो ये भी प्रशासन का सहयोग करें और ऐसा ना करना नियम के खिलाफ भी है। बेगूसराय जिला के सभी डॉक्टर भाइयों से अनुरोध है कि इसको सूचित करें प्रशासन को, अगर कोई व्यक्ति सर्दी जुकाम बुखार या सांस लेने में तकलीफ का अगर आपके सामने, आप इलाज के लिए आपके पास आता है, तो ताकि हम लोग उसका इलाज कर सके। और ऐसा नहीं करना ये कानूनी रूप से भी गलत है, इसके लिए प्रावधान भी है, अगर इसमें इस तरह कार्य ना किया जाना। तो आप लोगों से अनुरोध है ऐसे कार्य से बचें ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का दंड का भागी न हो सके।